कल मैंने शाहरुख खान के अंडे भक्तों का पिछवाड़ा जलाते हुए उन सभी लोगों को यह बता दिया था कि ये उनका हल्का खान उर्फ शाहरुख खान ने जो फिल्म बनाई है ना, वो डंकी नहीं डोंकी है, डोंकी। मेरी उन बातों को सुनकर उन सभी गंदे अंडों की बुंड में इतनी तेज भाई साहब मिर्च लग गई कि सीधा आकर कमेंट बॉक्स में गंदी गंदी गालियां बकने लग गए। हरकतें भाई साहब ऐसी करने लग गए कि ये पंचर ठेली रिक्शा वाले उनके फैन नहीं है बल्कि सीधा ही उसके बच्चे हैं। अंदर ही अंदर ये शाहरुख खान को कहीं ना कहीं अपना जीजा या अपना अब्बू मानते हैं। और जिस शाहरुख खान को ये लोग किंग ऑफ बॉलीवुड, बॉलीवुड का बादशाह और ना जाने भाई साहब क्या क्या बुलाते हैं, पर असलियत तो ये है कि ये जलेबी है ठट्टी में तली हुई। अब देखिए ना भाई साहब, और अगर आप कहीं गलती से शाहरुख खान के अंडे भक्त हैं तो जरा गौर से देखिएगा, 21 तारीख को शाहरुख खान की फिल्म डोंकी, अरे चलो डंकी रिलीज करी गई, वो दिन था फ्राइडे, और उसी के अगले दिन साउथ इंडस्ट्री की सालार जो कि प्रभास की फिल्म है उसे भी रिलीज कर दिया गया। अब जहां तक बात है शाहरुख खान के अंडे भक्तों की, तो उन लोगों का ये मानना था कि शाहरुख खान तो जी इतना बड़ा सुपरस्टार है, लोग तो कतई इसके दीवाने हुए पड़े हैं। अब ऐसे में ऐसा कैसे हो सकता है कि शाहरुख खान की फिल्म सुपर हिट ना हो पाए? अरे ये सालार वालार तो मतलब डंकी के सामने टिकी नहीं पाएगी है। पर हो भाई साहब इसका उल्टा गया, प्रभास ने तो मतलब इस हल्के खान का कतई कच्चा ही पाड़ दिया। सारी की सारी हवा शाहरुख खान के गंदे अंडों के अंदर ही घुसेड़ दी। आज 3 दिन हो गए फिल्म डंकी को रिलीज हुए और आप सभी लोग देख सकते हैं कि शाहरुख खान की फिल्म डंकी ने अभी तक महज 74 करोड़ रुपयों का ही धंधा करा है, पर उसी के उलट 1 दिन के बाद रिलीज हुई प्रभास की सालार अब तक करीब 170 करोड़ रुपए कमा चुकी है। वो भी तब कमा चुकी है जब तीसरा दिन, बोले तो आज का दिन संडे, अभी खत्म भी नहीं हुआ है। अब इन्हीं सीन्स को देख, जिस तरीके से शाहरुख खान के अंडे भक्तों के घरों में मातम का माहौल पसरा हुआ है और जिस तरीके से ये अपने अपने रिक्शा ठेलियों को साइड में लगा, पंचर की दुकानों में ताला मार, मेरे जैसे यूट्यूबर्स के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, गालियां बकते घूम रहे हैं, उनकी इसी बेबसी को देख सच बता रहा हूं भाई साहब, बड़ा मजा आ रहा है। Nice. क्योंकि इस बार भी इन गंदे अंडों ने अपने सर से लेकर पिछवाड़े तक का जोर लगा दिया था कि कैसे भी करके इनके चहेते शाहरुख खान की फिल्म डंकी इस बार भी भाई साहब सुपर डुपर हिट हो जाए। कईयों ने तो मतलब अपने घरों के सिलेंडर्स तक बेच दिए कि उसमें कम से कम 3-4 फिल्म की टिकटें तो आ जाए। इतना ताम झाम करने के बाद भी हुआ क्या? तो जी साउथ इंडस्ट्री का प्रभास अपनी फिल्म सालार के साथ बाजी मार गया, उससे पहले फिल्म एनिमल का रणबीर कपूर छा गया और ये अपना हल्का खान लालच के चक्करों में भाई साहब वो सारी तिगड़ में लगा गया, पर फायदा उससे इसको तब भी नहीं हो पाया। और जिस तरीके का घटिया पब्लिक रिस्पॉन्स इसकी फिल्म डंकी को लगातार एक के बाद एक दिन मिल रहा है, उसे देखकर तो यही मालूम पड़ता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में खुद सिनेमा हॉल वाले भी इसकी फिल्म को लात मारकर अपने अपने थिएटरों से बाहर निकाल देंगे और उतनी ही हटाई गई स्क्रीन्स प्रभास की सालार नामक फिल्म के लिए बढ़ा दी जाएगी। अब मुझे पता है कि मेरे इस वीडियो से भाई साहब कईयों का पिछवाड़ा बहुत जोर से जला होगा। अब अच्छा भी है, जलना भी चाहिए। अब जिनका नहीं जला है, जिनको मजा आया, तो आप एक काम करो, इस वीडियो को दबाकर शेयर करो।